नमस्कार दोस्तों, एके कंप्यूटर्स पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जो एचपी के अभी लेटेस्ट मॉडल चल रहे हैं उसकी बायोस फाइल को बूटेबल पेन ड्राइव बना के किस प्रकार से उसके बायोस फाइल को अपडेट करना है उस प्रोसेस को हम जानेंगे। तो यहाँ पर हमने जो मॉडल लिया है एचपी लैपटॉप का 15S-DU2058TU, इस मॉडल को लेकर हम पेन ड्राइव को बनाएंगे। इसके लिए मेरे पास इसका इंफॉर्मेशन, इसका ओल्ड फाइल अवेलेबल है। इस लैपटॉप का मेरे पास सीरियल नंबर है, तो इस सीरियल नंबर की सहायता से हम एचपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहां से हमें पहले सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। ये आपका मॉडल नंबर है, तो यहाँ से आपको इस सीरियल नंबर को कॉपी कर लेना है। तो मैं क्लियर कर देता हूँ। ब्राउज़र को आपको ओपन कर लेना है। इस पर आपको HP BIOS डाउनलोड बाय सीरियल नंबर, ये ऑफिशियल वेबसाइट वाला लिंक आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको लैपटॉप लेना है। यहाँ पर देखिए इंटर योर सीरियल नंबर, तो यहाँ पर आपको सीरियल नंबर को पेस्ट कर देना है। आप टाइप भी कर सकते हैं, सबमिट पर क्लिक कर देना है। देखिए आपका यहाँ पर मॉडल डिटेक्ट होके आ चुका है। तो यहाँ पर आपको चूज़ ए डिफरेंट OS कर लेना है, विंडोज़, और जैसा आपके विंडोज़ डला हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ले सकते हैं। मैं फ़िलहाल विंडोज़ 10 64-bit इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे बायोस सिस्टम फर्मवेयर, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह से यहाँ पर हमें एक ये फाइल है, एक ये फाइल है। तो लास्ट टाइम हमने इस फाइल को लेके बायोस फाइल को बनाया था। अगर हमें विंडोज़ किसी अदर सिस्टम पे बायोस फाइल को हम प्रिपेयर कर रहे हैं तब हमें इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अब हमें यहाँ पर बूटेबल पेन ड्राइव बना के इसके बायोस फाइल को डालना है, तो इसके लिए हम इसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसका साइज़ देख लिए 40.8 MB, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे, तो मैं यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ। ये मेरा फाइल स्टार्ट हो गया है डाउनलोड होना। देखिए यहाँ से मैं exe फाइल मिल रहा है, ये मेरा फाइल डाउनलोड हो चुका है। इस फाइल को यहाँ से शो इन फोल्डर करके आपको यहाँ से इस फाइल को ले लेना है। इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। और जो हमारा फोल्डर था इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। देखिए अब क्या है, इस पर राइट क्लिक करते हैं तो हमें एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन मिल रहा है, तो हमें एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ये फोल्डर बन के आया, इसको ओपन करते हैं। इसके अंदर इनसाइड फ्लैश है, इस पर राइट क्लिक कीजिए। देखिए फिर से एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन मिल रहा है। जब तक हमें एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन मिलता है हमें एक्सट्रैक्ट करते रहना है। यहाँ पर देखेंगे आप (8,193 KB, 16,385), तो आपको जैसा पता है जो हमारा बायोस फाइल होता है वो 8,192 KB, तो मतलब इसका साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा है 8 MB से। और ये जो फाइल है अकॉर्डिंग टू आपके मॉडल के हिसाब से और जो उसके अंदर BID आप सर्च करते हैं उसके हिसाब से आपको यहाँ पर फाइल को चूज़ कर लेना है जो सा आपका मॉडल है। जब आप ओल्ड डम का बैकअप ले लेते हैं मैं किसी एक फाइल को दिखा देता हूँ आपको ओपन करके। तो यहाँ पर साइज का डिफरेंस है, ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में तो नहीं है, बस में एक्स्ट्रा डेटा है।
तो यहाँ पर इसने सॉफ्टवेयर दिया है, इस पर राइट क्लिक करते हैं, एक्सट्रैक्ट नहीं है तो इसको हम रन कराते हैं। देखिए यहाँ पर ये रन होके आ जाता है, ये ऑप्शन है हमारा अपडेट बायोस के लिए, ये क्रिएट कॉपी, तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप ऑप्शन देख पाएंगे। अगर जिस लैपटॉप का हमें बायोस अपडेट करना है उसी लैपटॉप के विंडो मोड पर हम हैं तो वहाँ पर इसको रन कराते हैं तो ये ऑप्शन हमें हाईलाइट मिलेगा अपडेट वाला, तो आप सीधा आपका बायोस फाइल अपडेट हो जाएगा। ये ऑप्शन है आपका रिकवरी यूएसबी फ्लैश ड्राइव बनाने का। तीसरा ऑप्शन है इसकी बायोस फाइल को अदर जगह पर कॉपी करने के लिए, तो मैं एक बार इसका बायोस फाइल को यहाँ से कॉपी करके आपको बता देता हूँ। ये जो हमारा फोल्डर बना हुआ है, यहाँ पर हम एक फोल्डर बना लेते हैं, न्यू फोल्डर मैंने यहाँ पर बना लिया, इसको मैं ओपन कर देता हूँ, इसको हम यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं। ये देखिए हमारे से पूछता है ये सेव कहाँ करना है आपको, तो हम ब्राउज करके इसको लोकेशन दे देते हैं, डेस्कटॉप पे ये हमारा फोल्डर है। ये न्यू फोल्डर, ओके नेक्स्ट। अभी देखिए आपका फाइल यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगा, तो देखिए हमें डॉट बिन करके यहाँ पे फाइल आ चुका है। ये बीआईडी के अकॉर्डिंग आपको फाइल को चूज कर लेना है, इसको फिनिश कर देना है। यहाँ पर देखिए जो मैं पहले फाइल मिला था इसके अंदर डॉट बिन 8193 KB, और यहाँ पर भी ये फाइल हमें मिला है, ऊपर देखिए इसका साइज मैं आपको दिखा देता हूँ, 8192 KB, यहाँ पर आप देख पाएंगे। इस फाइल को मैं हेक्स एडिटर पे ओपन करता हूँ, इस वाली फाइल को भी हम हेक्स एडिटर पे ओपन करते हैं, विंडोज ऑप्शन टाइल वर्टिकली कर लेना है आपको, तो आप यहाँ पर डिफरेंस देख पाएंगे। बॉटम देखिए तो फाइल में डिफरेंस, इसने जो एक्स्ट्रा डेटा था वो हटा दिया है, तो हमें जो ये न्यू फोल्डर के अंदर फाइल मिला है इन्हीं से हमें काम है, बाकी से हमें काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट साइज में 16385 था, यहाँ पे देखिए 16384 KB, 16 MB का फाइल है, 16777216 bytes, जबकि यहाँ पर आप इस फाइल का बाइट्स में देखेंगे तो साइज ज़्यादा मिलेगा आपको, देखिए 536, तो इसमें एक्स्ट्रा डेटा है उसको हटा दिया है इसने, इसको हम फोनिक्स टूल की सहायता से भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारा काम इनसे रहेगा, अगर आप बायोस फाइल को प्रोग्राम करना चाहते हैं तो। देखिए अब बूटेबल पेन ड्राइव में कैसे बनाना है हम उस चीज पे आते हैं, तो ये जो मैं फोल्डर exe फाइल से ये फोल्डर मिला था इसके अंदर इनसाइड फ्लैश था, इनसाइड फ्लैश को हमने एक्सट्रैक्ट किया था, उसके बाद में इसको हमने रन कराया, इसको आपको वापस से रन कराना है। आपको पहले पेन ड्राइव लगा के उसको फॉर्मेट कर लेना है, मैं अभी इसको आगे नहीं बढ़ाता हूँ, ये मेरा पेन ड्राइव लगा हुआ है, आप इस पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर लेना है आपको, यहाँ पर फॉर्मेट पे जाना है, FAT32 पे इसको आपको फॉर्मेट कर लेना है। ये आपका पेन ड्राइव फॉर्मेट हो जाता है, देखिए आप जो पेन ड्राइव है हमारा इसका जो एच ड्राइव आ रहा है ये आपको ध्यान रखना है,
चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट करना है, यहाँ पे हमें क्रेट रिकवरी यूएसबी फ्लैश ड्राइव इसको सेलेक्ट रहने देना है। नेक्स्ट करना है आपको यहाँ पर। तो देखिए इसने हमारा पेन ड्राइव का लोकेशन उठा लिया, ड्राइव एच FAT32 फाइल सिस्टम। यहाँ से आप रिफ्रेश करके देख लीजिए एक बार इसको। चलिए इसको सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट करना है आपको। मैं पेन ड्राइव को ओपन कर देता हूँ इस साइड पे। तो देखिए इसके अंदर फोल्डर बन गया है HP। ये थोड़ा टाइम यहाँ पर लेगा प्रोसेसिंग का। देखिए यहाँ पर लिखा चुका है हमारे द रिकवरी फ्लैश ड्राइव वाज क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो हमारा पेन ड्राइव सक्सेसफुली बन चुका है। टू रिकवरी ए डिवाइस विद फ्लैश ड्राइव द फॉलोइंग दीज इंस्ट्रक्शंस। फर्स्ट पावर ऑफ द डिवाइस टू रिकवर। सेकेंड इंसर्ट द फ्लैश ड्राइव इनटू द यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट के अंदर आपको पेन ड्राइव को लगा देना है। फिर आपको जो आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप है उसको पावर ऑन करना है। डिवाइस में रिबूट होगा अप टू 3 टाइम्स। 3 टाइम आपका डिवाइस रिबूट होगा, मतलब बंद होके चालू, बंद होके चालू, उस तरह से। विद इंडिकेटर्स लाइट्स ऑन द कीबोर्ड फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। कीबोर्ड पे जो लाइट होगा वो बंद चालू होगा, तो वो सब आपको नोट कर लेना है। तो ये पेन ड्राइव हमारा बनकर तैयार है। इसको हमें वहाँ पर सिस्टम पर लगाना है। इसको फिनिश कर देते हैं। शायद डबल बार क्लिक हो गया था जो दोबारा फिर से खुल के आ गया है। इसको तो कैंसिल कर देना है आपको। ये दोबारा क्लिक हो गया था, इसको कैंसिल कर देना है। तो ये पेन ड्राइव हमारा बनकर तैयार है। इस पेन ड्राइव से आपको बूट करा लेना है। इस पेन ड्राइव में आपका जो फाइल है उसका बैकअप फाइल भी आप पेस्ट कर सकते हैं। ये मेरा फोल्डर था, ये हमारा ओल्ड फाइल था। MB का। इसको हैक्स एडिटर पे ओपन करते हैं। फर्स्ट ऑफसेट पर आपको क्लिक करना है। कंट्रोल F फाइंड के लिए प्रेस करना है। यहाँ पर टाइप में टेक्स स्ट्रिंग रहने देना है। यहाँ पर आपको BID टाइप करना है और ओके करना है, यस। तो आपका जो बोर्ड ID, BIOS ID है वो ये है 085F3। तो इसके अकॉर्डिंग आपको BIOS फाइल को चूज़ करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं जो हमारे को एक्सट्रैक्ट ओके मिला था न्यू फोल्डर में 085F3। 085F3 ये हमारा फाइल है। इस फाइल को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। यहाँ पर आएंगे, इस फाइल को पेस्ट कर देना है।
तो ये हमारा फाइल है, अभी ये फाइल था 085F3 जो हमने वेबसाइट से लिया था, आप इसको भी ले सकते हैं। तो फिलहाल हमने जो इंटरनेट से भी हमें मिला है वो फाइल ले लिया है यहाँ पर। इस फाइल को मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। एमिनालाइजर पर ये कंप्लीट बायोस फाइल है 16 MB का। अब यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर जो कैश आप देख पा रहे हैं, अगर ये आपका फाइल किसी ने पहले से बदल दिया है तो पोर्ट आईडी आपका चेंज हो चुका है या इस फाइल में कोई इश्यू रहा, आपका इन्फॉर्मेशन क्लियर कर दिया है, तो आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। 7 जनरेशन तक ऐसा नहीं था, लेकिन इसके आगे की जनरेशन के अंदर अगर आपके बायोस फाइल में कुछ भी चीज़ मिसिंग है तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का प्रॉब्लम आ सकता है। तो आप जब भी काम कीजिए ओल्ड बैकअप को सेव कीजिए। अगर आपसे काम नहीं हो रहा है तो एट लास्ट जब आप सिस्टम को वापस रिटर्न कर रहे हैं तो उसके अंदर जो उसका ओल्ड बैकअप था वो वापस डाल के दीजिए, नहीं तो काफ़ी परेशानी होती है। अब हमारा काम होगा बूटेबल पेन ड्राइव से सिस्टम को बूट कराना।